अच्छा बोला अ पॉइंट इफ अ पॉइंट ऑन द रिम इज ऑफ 21 सेंटीमीटर एक रिम है उसके सेंटीमीटर 27 डायमीटर उस रिम का डायमीटर 27 सेंटीमीटर ये डायमीटर होता है ना सेंटर सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील है ठीक है घूमने वाला व्हील है ट्रेवल इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका एस दिया हुआ है इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा 5040 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा इन अ मिनट यानी इतने मीटर पर मिनट एक मिनट में इतने मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड एक सेकंड में कितना रेडियंस गुजर जाता है रेडियंस का मतलब थीटा मालूम करना थीटा होता है ना रेडियंस लेकिन सेकंड में मालूम करना है सेकंड में हाउ मेनी रेडियंस आपको मालूम करना है एंगल मालूम करना है थीटा मालूम करना है ठीक है बोला हाउ मेनी रेडियंस तो उस रिम का आपको डायमीटर दिया था 21 सेंटीमीटर ठीक है रिम का डायमीटर दिया था 21 सेंटीमीटर और रिम डिस्टेंस कवर किया रिम ने कितना करता है 5040 मीटर पर मिनट तो रिम जो है इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक मिनट में ठीक है यानी एस दिया हुआ आपको अब थीटा मालूम करना है लेकिन यानी हाँ भाई रेडियंस मालूम करना रेडियंस का मतलब थीटा ही है एंगल है लेकिन इन अ सेकेंड एक सेकेंड में ठीक है यानी रेडियंस इन अ सेकेंड पर सेकेंड में मालूम करना है ठीक है तो फार्मूला हमारे पास है एस इक्वल टू आर थीटा एस इक्वल टू आर थीटा बच्चे का बच्चा कोई आए लें तो थीटा किसके पास थीटा मालूम करना है ना थीटा किसके पास हो जाएगा एस अपन आर ये हो जाएगा ना यस सर तो थीटा बराबर हो जाएगा एस कितना है 5040 ठीक है देखो ये दिया हुआ है मीटर में yes, sir. ये दिया हुआ सेंटीमीटर में तब दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं yes, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करें yes, या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 5040 मीटर है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक है अब ये हो गया एस डिवाइडेड बाय आर आर रेडियस कितना होगा ये डायमीटर है ना यस सर तो 21 डिवाइडेड बाय 2 तो डायमीटर या रेडियस बन जाएगा यस सर मल्टीप्लाई बाय अब आर हमने लिख दिया अब ये था इतने मीटर पर मिनट यस सर तो इतने मीटर को 100 में मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो गया यस सर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा देंगे यस सर ये हो गया इतने सेंटीमीटर पर सेकंड बन गया सेंटीमीटर पर सेकंड और ये भी सेंटीमीटर में आ गया अब पूरी चीज हमारी आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गई यस सर ठीक है पर ये हमारी एक ही यूनिट में हो गई ये भी सेंटीमीटर में हो गया ये सेकंड में हो गया और ये भी हमारा सेकंड सेंटीमीटर में तो सही मिल गया ये डायमीटर था 2 से डिवाइड करा दी तो हमारा ये रेडियस बन गया अब ये सॉल्व करते ये हो जाएगा 5040 मल्टीप्लाई 21/2 पर जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 60 ठीक है हाँ तो जल्दी दो अब ये करो सॉल्व करो डिवाइड कराए तो यस तो डिवाइड ना कराए ये भी तो ये कैसे तला मान लेंगे सर इसको पूरा मल्टीप्लाई कराया फिर आंसर को डिवाइड एक मिनट देखते हैं 5040 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में बड़ा हो जाएगा वो इतने मीटर सेंटीमीटर और बड़ा होगा 100 और अपॉन ये क्या आर आर कहता है 21/2 मुझे क्या 21 सेंटीमीटर में ऊपर चले गया 2 ठीक है और 21 मीटर पर 60 मिनट सेकेंड में जाएगा ठीक है 5040 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल इतना आ गया डिवाइडेड बाय 1260 800 आ रहा है क्या कर रहे हो देखो देखो क्या गलती करते हो तो अपने हाथ से गलती करो 800 अंतर आ रहा है करो 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 जल्दी करो देखो एंटर करके देखो थीटा बड़ा निकल गया रेडियन में फाइव जीरो फोर जीरो मतलब टू हंड्रेड ठीक है डिवाइडेड बाय अब डिवाइडेड बाय हाँ डिवाइड करो अब ब्रैकेट खोलो पहले मतलब गलता पड़ो अब ब्रैकेट में ये लिखो 21 मल्टीप्लाई बाय 60 ब्रैकेट क्लोज कर दो हाँ इक्वल दबाओ अब समझ आई बात ये
जब भी इस तरह करो ना टिकट कर लिया करो आगे अटेंडेंट ये हमारा आधा चेक करो ठीक है हमारे लगा 800 रेडियन